दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे सिंह लव राशिफल फरवरी 2023, लियो लव लाइफ फरवरी 2023। लियो साइन वालों, सिंह राशि वालों, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी रिलेशनशिप की स्थिति कैसी रहेगी फरवरी के महीने में, प्रेम वाले महीने में। ये महीना आपके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है, ये हम जानकारी आपको देंगे। दोस्तों लव राशिफल शुरू करें उससे पूर्व आपको बता दें, हमारा लव राशिफल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है, उसी के अनुसार इस लव राशिफल को देखें। बस उन्हें अगर आपको चंद्र राशि यानी मून साइन पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। दोस्तों इस महीने में विशेष रूप से तीन ग्रह परिवर्तन करेंगे और ये चार परिवर्तन होंगे क्योंकि बुध का परिवर्तन दो बार है। ये परिवर्तन कौन कौन से हैं गोचर में ये हम आपको बता देते हैं, उसके बाद में हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और आपके राशिफल पे बात करेंगे। सबसे पहले जो परिवर्तन है 7 फरवरी 2023 को मकर में बुध जाएंगे, दोबारा परिवर्तन करेंगे 26 फरवरी को कुंभ में बुध जाएंगे, दूसरा ग्रह परिवर्तन करेगा 13 फरवरी को कुंभ में सूर्य का प्रवेश होगा और 15 फरवरी को मीन में शुक्र का प्रवेश होगा, शुक्रोच्चुके हो जाएंगे। देखा जाए तो एकमात्र यही स्थिति है जो आपके लिए बहुत कुछ बदल देगी, शुक्र की स्थिति। तो आइए जानते हैं कि आपके लिए क्या कुछ बदलने वाला है, क्या स्थिति बनने वाली है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे जो लोग सिंगल हैं उसके बाद में उनकी लव लाइफ के बाद नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की, मैरिड लाइफ की और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की, इन सभी के बारे में बात करने के बाद में वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे तीन राशियों के नाम। अगर उन तीन राशियों में से किसी राशि का पार्टनर आपका होता है तो आपके लिए महीना लकी बन जाएगा। तो चलिए जानते हैं, सबसे पहले जो लोग सिंगल हैं उनकी अगर हम बात करें तो आपके लिए सिंह राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आपके जो बिल्कुल सिंगल हैं उनके लिए स्थिति 7 फरवरी से ही बहुत ज़्यादा खास बन रही है, जिसमें आप किसी व्यक्ति से बहुत ज़्यादा अटैच्ड होने वाले हैं, बातचीत करने वाले हैं, दोस्ती होने वाली है। और जो लोग किसी के साथ में पहले से ही अटैच हैं और एक तरफा प्यार भी करते हैं उनकी कहीं ना कहीं बहुत जबरदस्त प्रपोजल होगा, जबरदस्त कमिटमेंट होगा और 7 फरवरी से 26 फरवरी के बीच में आपका ये कह सकते हैं कि मैरिज फिक्स हो जाए या पूरी तरह से एक दूसरे के बारे में जान लें और ठान लें कि अब शादी करनी तो इसी से। तो ऐसा बहुत ही ट्रू लव आपको मिलने वाला है। ये महीना आपको बहुत बड़ी खुशखबरी दे जाएगा, बहुत ही अच्छा खास व्यक्ति दे जाएगा, लाइफ बना देगा ये महीना, सच्चा प्यार दिला देगा ये महीना। तो निश्चित रूप से अच्छा है आपके लिए, जो लोग एक तरफा प्यार करते हैं उनके लिए तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी खुशखबरी है आपके लिए। अब बात करते हैं उनकी जो लव लाइफ में, रिलेशनशिप में है, उनके लिए देखा जाए तो लगातार स्थिति आपकी बहुत ही अंधकारमय चल रही है। और ये आप भी जानते हैं कि आप बहुत कंफ्यूज हैं लव लाइफ में, लगातार कंफ्यूजन और चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है, करें तो करें क्या, करें ना करें क्या, करना है आगे होगा क्या, वो अपने मुंह से भी कुछ नहीं बोल रहा है, मना भी नहीं कर रही है उसकी फैमिली, हाँ भी नहीं कर रही, तमाम बातें कहीं ना कहीं चल रही हैं। अब ये जो है आपका ईगो भी हर्ट हो रहा है, परेशानी भी हो रही है, समझ नहीं आ रहा है कि डिसीजन कहाँ से कहाँ है। ये वो स्थिति है जो हर किसी के साथ नहीं होती है, जो आपके साथ में ही हो सकती है, क्योंकि आपको कोई मना भी नहीं कर सकता और आपको कोई हाँ भी सही से नहीं कर सकता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत मायने रखती हैं आपके साथ में। और आपकी लव लाइफ में आपके जो पार्टनर हैं वो आपके साथ में बहुत ज़्यादा ही आपके ऊपर भरोसा करने से बचते हैं, क्योंकि लगातार आपके ऊपर से उनका भरोसा खत्म हो गया है। अब वो भरोसा खत्म हो गया है, आपको डायरेक्ट बोल पा रहे नहीं बोल पा रहे हैं, वो तो आपके पार्टनर के माइंड के ऊपर है कि वो क्या बोल पा रहे हैं, लेकिन यहाँ तो स्थिति दिख रही है कि वो आपको झूठ बोल रहे हैं, उनका भरोसा आप पे नहीं है। और सबसे ज़्यादा स्थिति यही निकल के आ रही है कि भरोसा नहीं है इसलिए मिलेंगे नहीं, इसलिए मिलने से मना करेंगे, आप सोचेंगे कोई कुछ भी करके यहाँ स्थिति बने ऐसी, तो लगातार वैलेंटाइन डेट तक, 14 फरवरी तक, 15 फरवरी तक आप कोशिश करेंगे उनसे मिलने की, पर मुलाकात नहीं होगी, पर उसके बाद मुलाकात जरूर होगी क्योंकि शुक्र आ जाएंगे अष्टम में और ये स्थिति दर्शाती है आपकी मुलाकात होने वाली, भरोसा हो ना हो लेकिन आपकी जिद, आपके गुस्से, आपके ईगो के आगे वो हार जाएगा और वो आपके पास मिलने आएगा। तो आप
15 फरवरी के बाद में उनके साथ मुलाकात कर पाएंगे, फिर से मिल पाएंगे, चाहे नो कॉन्टैक्ट में हो उनके साथ में तब भी आपकी मुलाकात होगी और आपके साथ में एक दूसरे के फिजिकल रिलेशन भी बनेंगे 15 फरवरी के बाद में। और ये आपके लिए ना अच्छा है ना बुरा है, बस आपके रिश्ते में अभी कुछ भी साफ नहीं है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, ये बात आपको भी पता है। बस आप एक दूसरे की बस कहीं ना कहीं जिद की स्थिति पकड़े बैठे हैं और अपना ईगो सिद्ध कर रहे हैं, बस अपना ईगो कहीं ना कहीं बार बार जिता रहे। आपके लिए महीना बहुत सारी शर्तें लेकर आएगा। हो सकता है कि 15 फरवरी के बाद जो पार्टनर आपसे मिले वो बहुत सारी शर्तें रखे और आप उन शर्तों को मान करके भी ना माने या ना मान करके भी मान लें, ऐसी स्थिति हो जाए जिसमें आप उससे झूठ बोलें, कुछ बातें आपको सही लगे मान लें, कुछ बातें आप झूठ बोल दें कि हाँ मान लेंगे। तो कई लोग ऐसा भी हो सकते हैं कि सच बोल दें कि नहीं मानेंगे, लेकिन फिर भी एक तरफ से ये भी कह देंगे कि देखेंगे, पहले मिलो उसके बाद देखेंगे। तो ये स्थिति कहीं ना कहीं बनेगी। आप अपने पार्टनर के साथ में गलत कर रहे हैं इस बात का एहसास आपको हो सकता है 26 फरवरी के बाद। नो कॉन्टैक्ट में हैं उनके लिए भी स्थिति खराब है, फिर से मुलाकात होगी, फिजिकल भी हो सकते हैं, लेकिन कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं बनेगी जिससे हम ये कहें कि बहुत अच्छा रिश्ता आपका बन जाए। मैरिड लाइफ में आप अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा ही झगड़े करेंगे, आपके बहुत ज़्यादा विवाद हो जाएंगे, मैरिड लाइफ में स्थितियाँ खराब से खराब हो जाएंगी, ससुराल पक्ष से संबंध खराब हो जाएंगे। पार्टनर को हो सकता है कि आप अपने, अगर आप पुरुष हैं तो खास करके आप उन्हें घर से निकाल दें, स्त्री हैं तो आप खुद निकल जाएं। तो ये स्थिति बनेगी कि आप अपने पार्टनर को ना छोड़ना चाह रहे हैं और अगर नहीं छोड़ना चाह रहे हैं तो पार्टनर छूट रहा है, अलग होने की स्थिति बन रही है। और उसमें आपके साथ में क्या होगा कि आप कहीं ना कहीं किसी एक्स्ट्रा अफेयर में पड़ने वाले हैं और आप किसी व्यक्ति के साथ में कुछ ऐसी संगत में, कुछ ऐसी वासनात्मक संगत में आने वाले हैं, किसी ऐसे कामुक व्यक्ति से मिलने वाले हैं जिसके बाद में आप अपनी वाइफ अपने हस्बैंड को छोड़ने के लिए तैयार हो। ये महीना आपको ऐसा बुरा व्यक्ति दिलाएगा, ऐसे बुरे व्यक्ति से आपको मुलाकात कराएगा जो आगे आपकी जिंदगी बिगाड़ देगा। आप उसके साथ में फिजिकल ना होना कोशिश करना, खास करके इस महीने के लास्ट में वो मिलेगा आपको जो आपकी मैरिड लाइफ को खराब कर देगा, इसलिए उसके साथ में उसके एहसान मत लेना, उसके साथ फिजिकल मत हो जाना, ये आपकी मैरिड लाइफ को खराब करने के लिए ही आएगा। मैरिड लाइफ यहां पर पूरे महीने लगभग खराब रहेगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में बहुत ज्यादा स्थितियां अच्छी रहेंगी। आधे महीने यानी 14 फरवरी तक इतनी खास स्थितियां एक्स्ट्रा मैरिटल में नहीं है, उसके बाद में बहुत ज्यादा खास स्थितियां बनेंगी शुक्र के आ जाने से, लेकिन उनके लिए ज्यादा खास है जो बहुत ही सीरियस है अपने पार्टनर के लिए और जो टाइम पास कर रहे हैं उनके लिए हो सकता है कि ये पूरी तरह से टाइम, पूरा टाइम ही खराब रहे, महीना भर खराब रहे और पार्टनर की एक झलक देखने को ना मिले, एक बात करने के लिए, एक मिनट बात करने को ना मिले या ब्लॉक कर दिया जाए। जो लोग टाइम पास कर रहे हैं उनका ब्रेकअप भी हो सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में। तो स्थिति है दोस्तों, यह था आपका राशिफल। अब जान लेते हैं तीन राशियों के बारे में। पहली राशि स्वयं सिंह राशि है, दूसरी राशि कुंभ राशि और तीसरी राशि मीन राशि। अगर इन राशियों के पार्टनर आपके होते हैं तो आपके लिए महीना लकी रहेगा। दोस्तों यह था आपका लव राशिफल। अगर आपको यह लव राशिफल पसंद आया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।